बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासिर महमूद के चैनल बावर्ची खाना में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, आज एक मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आ रहा हूँ जो पंजाबी लोगों की बहुत फेवरेट होती है, ठीक है। और ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी लाहौर वाली फूफो जो समनाबाद में रहती है उनको, और हमारी रेलवे ऑफिसर जो मरिया स्नार्सकी थी उनके लिए, ठीक है। तो मैं आज ही उन दोनों के लिए बनाने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। ये वो खड़ी नहीं है जिसको हम 8-8, 10-10 घंटे काटते हैं, ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर बन जाने वाली कड़ी है। इसके लिए अब हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें 8-10 लहसुन चाहिए, ठीक है। एक बड़ा सा अदरक का टुकड़ा चाहिए, थोड़ा सा ज़ीरा चाहिए, थोड़ा सा मेथी दाना चाहिए, थोड़ा सा तकरीबन तीन या चार लाल मिर्च गोल वाली ले लें। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो बेस्ट है, मेरे पास वो नहीं थी तो मैं ये लाल वाली यूज़ कर रहा हूँ। और 2 हरी मिर्चें, इन सब को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है। इनको पीसना नहीं है, इनको चॉप करना है। बेसन है, ठीक है, 8 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ठीक है। और ये मेरे पास 2 चम्मच नमक है और 1 टीस्पून हल्दी, ठीक है। 1 किलो दही लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसकी हम लस्सी बनाएंगे। तकरीबन हमें 3 लीटर पानी चाहिए इसके लिए। ये पानी 1.25 लीटर है, मैं इसको 3 लीटर बना कर डालूँगा, ठीक है। हमें पकौड़ों के लिए जो सामान चाहिएगा, तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, ठीक है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, थोड़ा सा धनिया है, 2 हरी मिर्ची ली है मैंने, थोड़ी सी पालक ली है। तकरीबन 12 चम्मच बेसन है। बघार लगाएंगे या तड़का लगाएंगे उसका सामान है, इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया, ठीक है। 1 हरी मिर्च ली है, इसको बारीक चॉप कर लूँगा। थोड़ा सा धनिया लिया है, बहुत सारा कड़ी पत्ता लिया है, और तकरीबन 10 से 12 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए। फ्रेंड्स, ये देखें हमारे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें अच्छे तरीके से हमने फाइनली चॉप कर दिया है, और अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों, तकरीबन इसमें 1 कप हम ऑयल डालेंगे। हम ये जो हमारा मेथी दाना था और ये लाल मिर्च थी और ज़ीरा था, इसको डाल देंगे। साथ ही साथ हम इसमें ये भी डाल देंगे, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इनको अच्छा सा हम ब्राउन कलर आने के लिए, जब तक इसको भूनेंगे जब तक इसमें अच्छा सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक हम अपनी लस्सी रेडी कर लेते हैं। ये जो दही था इसके अंदर हम ये सारे मसाले, जो हमारे पास 2 चम्मच नमक था, 1 चम्मच लाल मिर्च थी कुटी हुई, 8 चम्मच हमारे पास बेसन था, और 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी थी, उसको दही में डाल के और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है, और ऑलमोस्ट मेरा ये जो हम लोगों ने इनिशियल तड़का लगाया था वो भी हमारा अच्छे से ब्राउन तकरीबन हो चला है। 1-2 मिनट बस इसको और ब्राउन होने देंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें अपनी ये जो लस्सी बनाई है हम लोगों ने वो हम ऐड कर देंगे। में हम पानी ऐड करके इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे, और
के 1.3 लीटर्स था, मुझे इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी डालना है और फिर उसको पका पका के तकरीबन मैं उसको 2.5 लीटर या 2 लीटर रहने दूंगा। तो इसमें मैं ये वाले दो और डेढ़ और डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे इसमें हल्दी का कलर कम लग रहा है, मतलब इसमें मज़ीद हल्दी और ऐड करने लगा हूँ क्योंकि कड़ी येलो कलर की ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस स्टेज पे नहीं मैं करूँगा। मैं जब बघाड़ लगाऊँगा उसको, उस वक्त मैं उसमें ऐड कर दूँगा। जी दोस्तों, कड़ी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैंने आँच को स्लो कर दिया, अब तकरीबन 20 से 25 मिनट को मज़ीद पकाएँगे। ठीक है, कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है हल्दी का, मज़ीद पकती रहेगी तो और डार्क हो जाएगा। दोस्तों, कड़ी को हम लोगों ने चूल्हे पर चढ़ा दिया था और वो तकरीबन पकने के लिए छोड़ दी। उसको आधा घंटा से लेकर 35 मिनट तक पकने में लगेंगे। जब एक दफ़ा उसमें बॉयल आ जाएगा फिर हम उसको स्लो आग पे मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे। तो तब तक हम अपने पकौड़ों का सामान रेडी कर लेते हैं। जी दोस्तों, इसके अंदर प्याज, आलू और हरी मिर्च और धनिया और पालक काट के उसको मैंने अच्छे तरीके से, अब इसके नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के हम उसको मिक्स कर लेंगे, पानी से गूंद लेंगे और फिर इसके पकौड़े बना लेंगे। तकरीबन आधा टेबल स्पून नमक ले लेंगे और एक चुटकी के करीब हम इसमें ले लेंगे थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालेंगे। तकरीबन 10 मिनट इसको छोड़ देंगे ताकि सब्ज़ी वगैरह का जो पानी है वो निकलना है वो निकल जाए। मैंने इनको गाढ़ा गाढ़ा सा गूंदा है। ठीक है, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें पकौड़े डालना शुरू करते हैं। अच्छे से ब्राउन हो गया, अब हम इनको निकाल लेंगे। नहीं, कितना प्यारा ब्राउन सा कलर आया। पकौड़े तकरीबन सारे रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल निकाल के और इसी में हम तड़का तैयार कर लेंगे जो हम अपनी कढ़ी में लगा देंगे। और साथ ही साथ ये पकौड़े जो हम लोगों ने भी रेडी किए हैं इसको हम कढ़ी में शामिल कर दे रहे ताकि ये भी 1-2 मिनट अच्छे से पक जाए और कढ़ी इसके अंदर जज्ब हो जाए। और चूल्हे को हम थोड़ी देर बंद कर देंगे क्योंकि हमने ज़ीरा डालना, अगर कितने कड़क तेल में हम डालेंगे तो वो फ़ौरन से जल जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो गया, अब इसको हम कढ़ी पे डाल देते हैं। देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आया और कितनी अच्छी सी हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटा लगा। ठीक है, तो अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं।